कई बार प्रशासन को गुहार लगा दी हमने, कोई सुनाई नहीं करता है। प्रशासन भेजती है आदमी यहाँ ताश खेल कर बैठे होते हैं, चंदर सड़क में आप डेली आते हो? डेली आते हैं जी, छह चक्कर मारते हैं डेली, छह चक्कर गाड़ी डेली, पूरा अपना टैक्स पे करते हैं, वो सरकार के खाते में जाता है। मेरे गांव, मेरे शहर, मेरे कस्बे की कहानी, जहाँ पर गुजरते हैं लोग और साधन इस तरह से जैसे गुजर रहे हो खड्डे गहरों से, ऊंचे पहाड़ों से, ऐसी रोड बनी हुई है इस जगह पे। जी हाँ, नमस्कार, मैं पवन कुमार राठौड़ आपका स्वागत करता हूँ दैनिक हरियाणा आईसीटी मीडिया में। पहुँचे हुए हैं महेंद्रगढ़ के अंदर और जिस जगह पर हम खड़े हुए हैं, ये रोड निकलता है इस साइड से, आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो फ्लाईओवर है, ये जो दादरी नारनौल का फ्लाईओवर है जी, और ये रोड जो निकल रहा है ये कनीना रेवाड़ी जाने वाला रोड है। इस रोड की कहानी आप देखोगे, इस रोड की कहानी इसी रोड की जुबानी आप सुनोगे, देखोगे कि रोड की क्या हालात है। बात आती है प्रशासन की, नुमाइंदों की, कहाँ सो रहे हैं? क्या वो इस रोड से कभी गुजरते नहीं हैं? क्या इस रोड की कहानी उन तक पहुंची नहीं है? ये देखा हुआ माहौल क्या अनदेखा वो कर रहे हैं? क्या सरकार सो रही है? अब आप देख सकते हैं, मैं ये दो व्हीकल आ रहे हैं, इन्हीं की मैं कहानी दिखा देता हूँ किस तरह से घूम घूम करके आ रहे हैं, कैसे घूम करके आ रहे हैं। और मेरे पीछे से एक और भी व्हीकल है, इनको भी आप देख सकते हैं। ये रोड बिजी रोड है, इस रोड के ऊपर हजारों की संख्या में पूरे दिन में व्हीकल निकलते हैं, साधन निकलते हैं, लेकिन क्या कोई साधन सही सलामत इस रोड से निकल पाता है, आराम से निकल पाता है? नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं भारी वजनदार भी व्हीकल आते हैं, छोटे व्हीकल भी आते हैं, बाइक भी आती हैं, परेशानी का सबब बना हुआ है। दूसरी बात एक और कहना चाहूँगा कि बहुत जल्दी मानसून भी पहुँचने वाली है इस क्षेत्र में, और जैसे ही मानसून पहुँचेगी ये सारे खड्डे नदी बन जाएंगे यहाँ पे। इन खड्डों के अंदर से व्हीकल का निकलना, मोटरसाइकिल का निकलना और छोटी गाड़ियों का निकलना दुर्लभ हो जाएगा, निकल नहीं पाएंगे। इसी बात को लेकर के आज हमारे साथ में इस गांव के लोग भी जुड़े हुए हैं, जो गांव है रिवासा, समाज सेवी राजपाल जी जो एजुकेशन क्षेत्र में भी काम करते हैं और गांव के मौजूद व्यक्ति भी हैं। एक बार आप सामने आओ जी, ये हमसे जुड़े हुए हैं और इनसे बात करते हैं कि ये रोड की हालत ऐसे क्यों बनी है या इसका कोई समाधान नहीं हुआ। नमस्कार जी, राम राम जी सभी को। नमस्कार जी बाबा, राम राम। राम राम जी बाबा, ये हालात कैसे के बन रहा है, इसका कोई समाधान? ये हालात जो जो बरसात होती है, जो जो आगे कोई समाधान नहीं है। दूसरा बात, ये थोड़ा बहुत कॉलोनी का पानी आता है, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा है। कई बार प्रशासन को गुहार लगा दी हमने, कोई सुनाई नहीं करता है। प्रशासन भेजती है आदमी, यहाँ ताश खेल कर बैठ के चले जाते हैं। वो छः महीने से यहाँ पर ये पत्थर गिर रखे हैं बड़े बड़े, और रेत भी पड़ा। मैं एक बार इन पत्थरों को एक बार सहयोगी दिखाइएगा, यहाँ पर आकर के ताश खेल के हाँ जी, यहाँ गाड़ी खड़ी, कल भी खड़ी थी, ताश खेल के चले गए प्रशासन के। वो जो प्रशासन के आते हैं यहाँ पर PWD महकमा के, देख रेख नहीं, वो ड्यूटी अपनी रोड पर ताश खेल के पूरी करके चले जाते हैं। और माटी गिर गई, यही ऐसे पड़ी है बाहर में, यहाँ पत्थर पड़े हैं, ऐसे ही पड़े हैं, ये खड्डों को नहीं भरते हैं वो जान करके। क्या यहाँ की नुमाइंदे, क्या यहाँ का प्रशासन ये चीज़ नहीं देख रहा? हजारों व्हीकल यहाँ से निकलते हैं, उनको परेशानी होती है। क्या कहना चाहोगे राजपाल सर जी आप इसके बारे में? सबसे पहले पवन जी नमस्कार। नमस्कार जी सर। आज इस रोड को हमने तो देखते हुए काफ़ी वर्ष हो गए, और सबसे बड़ी बात साहब, मैं एक और बीच में बोलना चाहूँगा, एक कंडक्टर साहब है हमारे साथ में, आपका डेली आने जाने का है? हम डेली आते हैं आगे सर, ये बस यार रोज टिकती है, बताओ ऐसे सर कैसे काम चलेगा, काफ़ी दिन हो गए यार, रोज हादसे भी होते हैं, कई मोटरसाइकिल वाले पड़ते हैं सर। तो मुझे तो लगता है कि साधन जो आने जाने वाले टैक्स नहीं भरते होंगे। टैक्स भर, हम तो टैक्स नहीं भरते तभी खड्डे हैं, या तो हम तो अपने टैक्स भर रहे हैं सर, 12,000 रुपया टैक्स भरते हैं। अगर टैक्स भर रहे हैं फिर भी ये माहौल देख रहे हैं आप, देखो ऐसे है कि कैसे कर रहे हैं। ये कहानी है इस महेंद्रगढ़ की, महेंद्रगढ़ की इस रोड की, और ये एक रोड नहीं है, मैं आपको कई सारे ऐसे रोड दिखा चुका भी हूँ, दिखाऊंगा भी कि इस तरह की कितनी परेशानी आती है। देख लेना सर, अब ये बस यहाँ से निकलेगी तब कितनी यहाँ टिक जाएगी, बस नई बस अभी और दिन बनवाई पीछे सारी फूट गई है भेड़ भेड़ के आज सर। मैं कैमरामैन को एक बार बोलना चाहूंगा, जब भाई पीछे से एक बार दिखाओ, देखो किस तरह से नीचे से टच होती हुई जा रही है,
बिल्कुल स्लो गति से निकाल रहे हैं और बारिश में तो ये यहाँ तक डूबती हुई जाएगी इन खड्डों में, ये सच्चाई है। बारिश में बिल्कुल आराम से निकाली जा रही है बिल्कुल। तो जी सर आप क्या कह रहे थे? जी सर हाँ मैं राठौड़ जी ये कह रहा था कि इस रोड की हालत मैंने आज तक किसी स्टेट हाईवे की ऐसी हालत नहीं देखी। जी जी ये सड़क जो है ये महेंद्रगढ़ से लेकर के दिल्ली को आपस में जोड़ती। जी हमने प्रशासन से पीडब्ल्यूडी विभाग से बीएनआर का जो हमारे यहाँ एसडीओ बैठते हैं एक्शन जो नारनोल बैठते हैं जी जी। उनसे हमारे समाज सेवियों ने संदीप जी सुंदराम ट्रस्ट के मालिक जी। और भाई हमने भी मेल के माध्यम से उनसे संपर्क किया जी। हर बार हमने अपनी एक बार उनका व्यूज जी, 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 नमस्कार नमस्कार जी जी क्या कहना चाहोगे भाऊ जी? एक साल हो गए हैं चंजर सड़क में। आप डेली आते हो? डेली आते हैं जी, छह चक्कर मारते हैं डेली, गाड़ी डेली नुकसान होता है गाड़ी में, कभी टायर फट जाते कभी नक्का तोड़ देती है। अरे एक साल हो गए जी, एक साल से चल रहा है, एक साल से सारे एमएलए एमपी सोए हुए हैं, सब सभी सोए हुए हैं। उनको जगाओ जाकर भाऊ जी, जागना पड़ेगा जी। आप जगा सकते हो उनको और जनता भी जगाएगी जी, हम तो लगे हैं जनता भी जगाएगी। जी सर जी सर, तो मैं प्रशासन से गुहार लगाता हूँ कि इस रोड को सड़क को जल्दी से जल्दी अच्छे मटेरियल से पूरे मापदंड के अनुसार जी जी। इस सड़क को मुरम्मत की जाए और मैं तो कहता हूँ इसको नया बनाया जाए जी। और यहाँ से गुजरने वाले व्हीकल्स जो है वो पूरा अपना टैक्स पे करते हैं, वो सरकार के खाते में जाता है। बिल्कुल। मेरा निवेदन ये है कि किसी भी तरीके जब खाते में जाता है तो यहाँ हम इस बात में मतलब सरकार से और प्रशासनिक अधिकारियों से, यहाँ तक कि बीएनआर पीडब्ल्यूडी के विभाग के अधिकारियों से गुहार करते हैं कि भाई इसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाए। सेकेंडली अब आने वाले समय में आपने जैसा कि कहा था गांधी साहब मानसून एक दो रोज में आने वाली, यहाँ ऐसा कोई दिन नहीं यहाँ जब कोई बुजुर्ग कोई बेटी कोई युवा चोटिल ना होता हो। बरसात के दिनों में यहाँ रोड दिखाई नहीं देता, इतना भारी रोड टूटा हुआ है कि सब गाड़ियाँ यहाँ क्षतिग्रस्त होती हैं। हाँ। लोगों का मेंटेनेंस बढ़ता है, डीजल पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, और यहाँ तक कि बड़े अफसोस की बात मुझे कहनी पड़ रही है कि जिस विभाग का मंत्री देश का प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है जी जी। हम उस पर काफी भरोसा करते हैं, वो सरकार में सहयोगी हैं जी। तो जब उनके पास ये है तो करप्शन की तो कोई बात ही नहीं आनी चाहिए, वो तो सबका समान बंटवारा और सबके समान विकास की बात होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन पता नहीं क्यों कि ना तो उप मुख्यमंत्री साहब दुष्यंत चौटाला जी यहाँ ध्यान देते हैं, ना ही यहाँ के जो एक्शन वो हैं, क्योंकि अमीर लोग या यहाँ से राजनीति से जुड़े लोग उनके पास तो कम से कम नहीं 70-70 लाख एक एक करोड़ की गाड़ियां हैं जी जी। जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा है। हाँ हाँ। गरीब आदमी जो 800 में जाता है, जो बाइक पे जाता है, जो स्कूटी पे जाता है, उसकी यहाँ बड़ी बुरी दशा है। बड़ी बुरी और दशा। मैं कहता हूँ इससे बुरी बात क्या होगी कि लोकतंत्र देश को आजाद हुए 70-75 बरस हो गए। हाँ हाँ। और दुनिया ईमानदारी से जीएसटी या बाकी टैक्सेस जो पे कर रही है उसके बावजूद भी सरकार हमारे हिस्से के विकास की जो बात है, पुराने नुमाइंदे से बात की जाए अब वाले से बात की जाए, मैं कहता हूँ हमें बड़ा अफसोसजनक है। हमें 1-2 दिन या 10 दिन का नाम ले देते हैं जी जी। और उसके बाद इस रोड पे कोई कार्रवाई कोई उसका काम नहीं किया जाता जी। तो मेरे इनसे प्रशासन से ये है, सरकार से आग्रह कि आप मीडिया के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, आप इस बात को बहुत सजगता के साथ उठाइए और ये बात आपके चैनल तक चले और यहाँ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कानों तक भी आवाज़ जानी चाहिए कि महेंद्रगढ़ में रिवासा फ्लाईओवर से कनीना रोड पे सड़क की वो दशा है। एक बार मैं कैमरामैन से एक बार निवेदन करूँगा, भाई दिखाओ इतना हैवी ट्रक होते हुए भी ये कीड़ी की तरह से रेंगता हुआ यहाँ से जा रहा है। ये कहानी है इस रोड की और ये रोड खुद जबानी से बोल रहा है, अपनी जबान से बोल रहा है कि मेरे हालात देखिए किस तरह से यहाँ से व्हीकल्स साधन यहाँ से लोग यहाँ से आते जाते हैं, ये हालात है यहाँ की। जी सर जी, और कोई आपके दिमाग में कोई हो प्रश्न तो आप मेरे से करिए। मैं इस रोड को देखते हुए वर्ष भर से ज़्यादा का समय हो गया जी जी। और यहाँ पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी आते हैं, कोई उनकी एक वेल प्लान्ड नहीं होती जी। कि ये यहाँ पर पानी आता है कॉलोनी का तो यहाँ डांबर का रोड कामयाब नहीं है जी जी। बाजार में तो सरकार ने और विभाग ने भाई ब्लॉक्स के रोड बना दिए जी जी।
हम चाहते हैं कि ये छोटा सा टुकड़ा अगर हमारे यहाँ के माननीय विधायक या पूर्व मंत्री जो कि बड़े बड़े पैकेज लेकर के महेंद्रगढ़ के लिए आ रहे हैं, 148B फोर लेन का पैकेज लेकर के आ गए और यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन प्लांट की बात लेकर के आ गए और बहुत सुर्खियाँ बटोरते हैं जी, जी। तो मैं कहता हूँ आम जनता के लिए एक छोटा सा काम है, इसको पूर्ण करवा दिए हमारा जीवन सुलभ हो जाएगा। हमने SDO साहब से जो PWD के हैं उनसे बात की है तो उन्होंने बताया कि हम जल्दी करवा देते हैं, देखते हैं रिजल्ट अभी कितने दिन में आ जाता है। तो धन्यवाद जी आपका, जैसे कि इस तरह की आवाज़ उठा रहे हो, और आप सभी का भी धन्यवाद। इस तरह की कहीं भी समस्या है आपके आस पड़ोस में, आपके क्षेत्र के अंदर, रोड से संबंधित हो, पानी से संबंधित हो, कोई भी ऐसी समस्या हो, आप हमें तक उसको पहुंचाएं, हमें बुलाइए और हम उस समस्या को सामने लेकर के आएंगे। आप हमारे साथ में जुड़े रहिए और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।